पंजाब में बाहरी राज्यों के लोगों को नौकरी दिए जाने के मुद्दे पर श्रोमणी अकाली दल नेता सुखबीर सिंह बादल ने आपत्ति जाहिर की। सुखबीर बादल ने बताया कि पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से जिन लोगों को नौकरी पर रखा गया है उनमें से ज्यादातर लोग बाहरी राज्यों के रहने वाले हैं। जी पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार है, पंजाब तो बाहरले लोगों को जी नौकरी दे रही है, ये बारे अज ही कल शाम को एक लिस्ट आई है, मैं सारे पंजाबी दसना चाहना है। इन्होंने तकरीबन 36 TTT टीचर रखे है, 36 चो 15 हरियाणे के है, 2 राजस्थान के, 2 चंडीगढ़ के है। देखो अद्धे टीचर उन्होंने कल पंजाब के बाहर रखे है, उस तो पहले इन्होंने वैटनरी इंस्पैक्टर रखे से 664, उन्होंने 134 राजस्थान के हरियाणे के सी, असिस्टेंट लाइनमैन इन्होंने झाड़ू की सरकार ने 1700 रखे से, उन्होंने 534 हरियाणे के, 94 राजस्थान के, तो मानसा के सब इंस्पैक्टर से टोटल 7, 6 बाहर दे सी। मेरे को लंबी लिस्ट है, आम आदमी पार्टी पंजाब के नौजवानों छड़ के राजस्थान हरियाणे नौजवानों नौकरियां दे रही है, क्योंकि हरियाणे ते राजस्थान च उन्होंने जाके ऐलान भी किया केजरीवाल ने कि मैं पंजाब विचों थोड़े मुंडियां नूं नौकरी दवा दूंगा। सो हुण की हो रहा, पंजाब के नौजवानों नूं मौका नहीं मिल रहा, तो बाहरले सूबियां नूं अज झाड़ वाली सरकार दे रही है। देखो कितना वड्डा बेइंसाफी पंजाब की जवानी नाल हुई है। सो इस करके मैं सारे कहना चाहना, पंजाबियों नूं इकट्ठे होइए, आ जिहड़ा मुख्यमंत्री है, आ जिहड़ी सरकार है झड़बली, इन्होंने पंजाब का खजाना भी वरती जाते हैं, पंजाब का नौकरियां भी दे जाते हैं, तो लुटन तो लगे पंजाब नूं, इतों लुट के आम आदमी पार्टी अपना खजाना भर रही है, तो दूजे सूबे च इलेक्शन लड़ रही है। पंजाब एग्रीकल्चर मास्टर मौजूदा सरकार से वादा खिलाफी का दोष ला रहे हैं कि साढ़े नाल वादा करके सानूं जॉब नहीं दिती। पहले पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तो कई जगह पर एग्रीकल्चर के कोर्स होते थे, BSc एग्रीकल्चर, MSc एग्रीकल्चर। देखो पंजाब एक खेती सूबा है, इतने लोड़ है एग्रीकल्चर अफसर की। बादल साहब की सरकार जो वेकेंसी होती एग्रीकल्चर पोस्टा भरते सी ना, कांग्रेस ने तो आम आदमी पार्टी तो पोस्टा ही खत्म कर दतिया। खेती सूबे में एग्रीकल्चर अफसर की पोस्टा ना हो तो माड़ी गल की हो सकती। हाई कोर्ट ने मोहर ला दी है कि अज की आम आदमी पार्टी सरकार पुलिस ड्रग माफिया कट्ठे है। अज हाई कोर्ट ने कहता है पुलिस क्यों कट्ठे है, ना पुलिस का क्यों आ रहा, सही महीने से जोड़े हल्का इंचार्ज है आम आदमी पार्टी के, उन्होंने महीना मान लिया ड्रग माफिया नाल, अपने हल्के ड्रग माफिया नाल उन्हों तो महीना लेंदे, कोई 10 लाख ले जाता, कोई 20 लाख ले जाता, तो उन्होंने अफसर कहता पुलिस को कहता कि तुम इन्होंने फड़ना नहीं, आई गल हो रही है ना, पुलिस का लगी जाता असली सही मेरे से आम आदमी पार्टी दिया हल्का चार्ज है। एक भगवंत मान कह रहा है कि मैं गुला चैलेंज जो कि एक मुंबर पंजाब यूनिवर्सिटी के चैलेंज इन्हें पहले चैलेंज दिता, मेरा नाम लैके चैलेंज दिता, तो मैं कहा कि मैं आ रहा तेरे घर, भज क्यों गया, क्योंकि भगवंत मान असली मुख्यमंत्री नहीं है, आ नकली मुख्यमंत्री है पंजाब का। सो जे श्रोमणी अकाली दल का प्रधान असली मुख्यमंत्री जो केजरीवाल है पंजाब का, जिथे मर्जी बहस कर ले, ए नकली मुख्यमंत्री, मैं पहले भी कहा पूछ लिया भगवान अपने असली मुख्यमंत्री को, तो असली मुख्यमंत्री जो केजरीवाल ने उन्होंने कहा तू भज जा, डिबेट ना करी, तेरे छित्र पैने हैं, तो उसी रात अपने घर छड़ के भज गया। पंजाब ते जी 50,000 करोड़ का कर्जा है, वित्तीय संकट छाया हुआ है, हले तो 50,000 करोड़ है, इन्होंने 3 साल 2-2.5 लाख करोड़ कर देना है, तो ना तनखावें मिलनी है, ना बिजली वास्ते कोला होना, कुछ भी नहीं होना, यह जहाँ बड़ा कर देता है। कहा जाता है हिंदुस्तान में किसी भी बीमारी का इलाज करवाना बहुत मुश्किल, बहुत महंगा, गलत। आप शरिया जनसा फाउंडेशन के मेंबर बनो, बाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल आने वाले 5 साल तक आपका पूरा इलाज फ्री करेगा। धन्यवाद।